अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। बेटा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए बेटा बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके सर।
बेटा सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे ग्राम नेगेटिव प्लॉट्स। हम ग्राम पॉजिटिव प्लॉट्स और ग्राम पॉजिटिव को काय कवर कर चुके हैं, ग्राम नेगेटिव को काय भी कवर कर चुके हैं। आज हम आखिरी सेक्शन शुरू कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का, ग्राम नेगेटिव प्लॉट्स। ग्राम नेगेटिव प्लॉट्स में सबसे पहले कवर करेंगे एंटीरो बैक्टीरिएशिए। बेटा एंटीरो बैक्टीरिएशिए एक फैमिली है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्राम नेगेटिव प्लॉट्स आते हैं, और ये सभी ग्राम नेगेटिव प्लॉट्स इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करते हैं, इसलिए हम इन्हें एंटीरो बैक्टीरिएशिए कहते हैं। एंटीरो का वर्ड इंटेस्टाइन के लिए है। सो ऑल ऑफ दिस बैक्टीरियस आर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी हमारे पास ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम नेगेटिव का मतलब ये है कि जब आप उनकी ग्राम स्टेनिंग करेंगे और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास रेड कलर के होंगे या पिंक कलर के होंगे। उसके अलावा एंटीरो बैक्टीरिएशिए में कुछ बैक्टीरिया हमारे पास एरोबिक हैं, कुछ फैकल्टेटिव एनएरोबिक हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जब उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया मोटाइल हैं और कुछ नॉन मोटाइल हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हमारे पास मोटाइल हैं और कौन से नॉन मोटाइल हैं। जो हमारे पास मोटाइल बैक्टीरिया हैं वो मोस्टली हमारे पास पेरीट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं। पेरीट्राइकस हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पेरीट्राइकस बैक्टीरिया में फ्लैजेला बैक्टीरिया की सारी साइड पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस में हमारे पास एक फ्लैजेला होता है एक एंड में, और लोफोट्राइकस में हमारे पास अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होता है एट वन एंड, और पेरीट्राइकस में हमारे पास पूरा बैक्टीरिया फ्लैजेला से कवर्ड होता है। उसके अलावा एंटीरो बैक्टीरिएशिए फैमिली में जितने भी बैक्टीरियाज हैं हम इन्हें ऑर्डिनरी वीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे, लेकिन जो दूसरी शुगर्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज या सुक्रोज, कुछ बैक्टीरिया उनको फर्मेंट करेंगे, कुछ बैक्टीरिया उनको फर्मेंट नहीं करेंगे। तो इसकी बेस पे हम इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी करते हैं, और इसी की बेस पे हम इन बैक्टीरिया को लैब में आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो ये भी हम अभी आगे देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हमारे पास कौन सी शुगर्स को फर्मेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एंटीरो बैक्टीरिएशिए फैमिली में बैक्टीरिया हैं ये सब हमारे पास नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस करते हैं। ये भी हम टेस्ट इनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज करते हैं फ्रॉम अदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंटीरो बैक्टीरिएशिए में सभी बैक्टीरिया कैटालेज पॉजिटिव हैं और ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। हम ये दोनों टेस्ट पढ़ चुके हैं, मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि कैटलिस्ट टेस्ट क्या होता है और ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है? बेटा किसी को नहीं पता कैटलिस्ट और ऑक्सीडेज टेस्ट का? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर आ रही है। बताएं फिर कैटलिस्ट टेस्ट और ऑक्सीडेशन टेस्ट क्या होता है? जी सर कैटलिस्ट टेस्ट जिसमें कि हाइड्रोजन परोक्साइड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है O2 और 2H2O में एंड बबलिंग बना देती है वाटर में और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन टेस्ट क्या है? ऑक्सीडेज टेस्ट में आप ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर, और वो बैक्टीरिया की कॉलोनी मोस्ट प्रेजेंट होती है किसी फिल्टर पेपर के ऊपर या किसी कल्चर प्लेट के ऊपर। आप बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करते हैं, उसमें ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करते हैं, और अगर तो पर्पल कलर प्रोड्यूस हो तो वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, अगर पर्पल कलर प्रोड्यूस ना हो तो ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जितने भी एंटीरो बैक्टीरिएशिए फैमिली में बैक्टीरिया हैं ये सब कैटालेज पॉजिटिव हैं और ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। ये तो इनके थे कॉमन फीचर्स जो कि हमारे पास एंटीरो बैक्टीरिएशिए में डिफरेंट बैक्टीरिया के कॉमन फीचर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स की। मैंने आपको बताया था कि एंटीरो बैक्टीरिएशिए फैमिली में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब ग्लूकोज को तो फर्मेंट कर लेते हैं, लेकिन बाकी शुगर्स को सभी बैक्टीरिया फर्मेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज को सिर्फ इकोलाई, क्लैबसियाला, सिट्रोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर और सिरेशिया लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास सालमोनेला, शिगेला, यर्सिनिया, प्रोटीएस
ये बैक्टीरिया हमारे पास लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते, तो लैक्टोज की फर्मेंटेशन की बेस पे हम इन बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और लैक्टोज की फर्मेंटेशन की बेस पे हम इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। मैं लैक्टोज फर्मेंटर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लैक्टोज फर्मेंटर में आती हैं सिट्रोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, एस्टरेशिया कोलाई या फिर इकोलाई, क्लैप्सियला और एस्टरेशिया। यहाँ पे सिर्फ दो लिखे हुए हैं, मैंने आपको पांच बताए हैं, सिट्रोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, इकोलाई, क्लैप्सियला और एस्टरेशिया। और जो हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं उसमें आ जाते हैं हमारे पास शिगेला, यर्सिनिया, प्रोटीएस और साल्मोनेला। ये बैक्टीरिया हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में आते हैं। आगे जाके हम इन सभी बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ कवर करेंगे इकोलाई को या फिर एस्टरेशिया कोलाई को। लेकिन इससे पहले कि हम इकोलाई को कवर करें, हम बात करते हैं एंटीजेंस की। बेटा यहाँ पे जो सेल वॉल एंटीजन, एज एंटीजन या फिर कैप्सुलर एंटीजन लिखा होगा, ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनमें ये सब एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। कुछ बैक्टीरिया में एक एंटीजन होगा, कुछ में दो एंटीजन होंगे, कुछ में तीनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो हम इन एंटीजेंस की बेस पे डिफरेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये एंटीजेंस बैक्टीरिया को अपनी डिजीज कॉज करने में, उसकी पैथोजेनिसिटी में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं सेल वॉल एंटीजन की। जो हमारे पास सेल वॉल एंटीजन है वो लिपोपॉलीसैकेराइड के आउटर पॉलीसैकेराइड पोर्शन में प्रेजेंट होता है, उसे हम ओ एंटीजन भी कहते हैं। जो हमारे पास एच एंटीजन होगा वो एच एंटीजन प्रेजेंट होगा फ्लैजेला पे। तो वो बैक्टीरिया जो मोटाइल है जिनपे फ्लैजेला प्रेजेंट होगा सिर्फ उनमें एच एंटीजन होगा, बाकी बैक्टीरिया में एच एंटीजन नहीं होगा। और जो हमारे पास कैप्सुलर एंटीजन है या के पॉलीसैकेराइड एंटीजन है, आपको पता है आपने, मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन बताया था कि सेल वॉल के बाहर कैप्सूल होता है, तो वो बैक्टीरिया जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल होगा उनमें कैप्सुलर या फिर के पॉलीसैकेराइड एंटीजन होगा। अब हमारे पास इकोलाई है, इकोलाई में हमारे पास ये तीनों एंटीजन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इकोलाई हमारे पास एक इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इकोलाई एक मोटाइल बैक्टीरिया है, और इकोलाई हमारे पास सेल वॉल एंटीजन भी होंगे। कैप्सूल की वजह से इकोलाई में के एंटीजन होगा, मोटिलिटी की वजह से, फ्लैजेला की वजह से इकोलाई में एच एंटीजन होगा। और सेल वॉल तो सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, इकोलाई में एलपीएस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें सेल वॉल एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। इकोलाई की बात करें, अब हम यहाँ से इकोलाई शुरू कर रहे हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक सबको समझ आ गई है। एस्टरेशिया कोलाई, बेटा इकोलाई हमारे पास ह्यूमंस और एनिमल्स में इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू रिमेन वायबल इन फीसेस फॉर अ फ्यू डेज। अगर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर में इकोलाई की डिटेक्शन हो तो इसका मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर की रिसेंटली ह्यूमन या फिर एनिमल फीसेस से कॉन्टेमिनेशन हुई है। क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? ये बैक्टीरिया ह्यूमन या फिर एनिमल की इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ से फीसेस में स्क्रीट होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इकोलाई, क्लैप्सियला, सिट्रोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर और सिरेशिया, ये सभी बैक्टर और ये सभी बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं। तो ये हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर हैं। इकोलाई के विरुणे सेक्टर्स की बात की जाए तो इसके हमारे पास इसके विरुणे सेक्टर्स की दो टाइप्स हैं। हमारे पास एक तो आगे सरफेस एंटीजन और एक आगे है टॉक्सिन। सरफेस एंटीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोलाई में सेल वॉल एंटीजन, कैप्सुलर एंटीजन और फ्लैजेलर एंटीजन तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे पास सेल वॉल एंटीजन है जो लिपोपॉलीसैकेराइड के आउटर पॉलीसैकेराइड पोर्शन पे ओ एंटीजन है, उसका फंक्शन क्या है? बेटा इसका एंडोटॉक्सिक फंक्शन है, मतलब कि ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी में सेप्टिक शॉक कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस और कंप्लीमेंट से प्रोटेक्ट करता है। तो एलपीएस का क्या फंक्शन है? एलपीएस एक तो बैक्टीरिया को सेप्टिक शॉक कॉज करने में हेल्प करेगा और दूसरा बैक्टीरिया को ह्यूमन इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगा, फेगोसाइटोसिस और कंप्लीमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। इनवेलप एंटीजन की बात करें तो जो हमारे पास इकोलाई है इट इज एन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसमें इनवेलप एंटीजन प्रेजेंट होगा, और हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या होगा?
बेटा समझ आ रही सबको, आवाज आ रही क्लियर? यस सर आ रही है। तो कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है? कैप्सूल का फंक्शन होता है कि वो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा। आप लोग पढ़ कुछ नहीं रहे, बेटा आपको पता है आपके 21st से मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी 20% वेटेज है, तो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे, पीछे से कवर नहीं कर रहे? सर क्विज़ इतने हो रहे हैं। क्विज़ हो रहे हैं आपके इस वक्त? खत्म ही नहीं हो रहे हैं, टीचर दो दो सारे ले रहे हैं। चलें आप तैयारी करना शुरू करें, ये माइक्रो एक दिन में कवर नहीं होनी। कंटिन्यू करते हैं। इकोलाई हमारे पास एक इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसलिए इसमें के एंटीजन प्रेजेंट होगा। और एक कैप्सूल का फंक्शन क्या होगा? कैप्सूल का फंक्शन ये है कि ये फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा, और जो फ्लैजेलर एंटीजन है वो इकोलाई को मूव करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो फ्लैजेला में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला के ऊपर ही एएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इकोलाई को मूव करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा इकोलाई अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर डायरिया कॉज कर रहा है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक और जीआई ट्रैक को कॉलोनाइज करने में इकोलाई की हेल्प करेंगे। और एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन और दूसरे हमारे पास हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, किडनीज को डैमेज कॉज कर सकते हैं, और जो हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन है उनकी फर्दर तीन टाइप्स हैं, हीट लेबाइल टॉक्सिन है, हीट स्टेबल टॉक्सिन है और वेरोसाइटोटॉक्सिन है। हम इन तीनों टॉक्सिन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले आ गया हीट लेबाइल टॉक्सिन, जो हीट लेबाइल टॉक्सिन है इकोलाई का, वो रिजेंबल करता है कॉलरा के टॉक्सिन को। जब आगे जाके हम कॉलरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। तो जो हमारे पास हीट लेबाइल टॉक्सिन है इसके दो बेसिक सब यूनिट हैं, ए सब यूनिट है और बी सब यूनिट है। जो बी सब यूनिट है उसका काम है बाइंडिंग, बी फॉर बाइंडिंग, उसका काम है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करना है, और ए सब यूनिट की सेल के अंदर एंट्री करवानी है। और जो ए सब यूनिट है वो इसका एक्टिव सब यूनिट है, जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है वो ए सब यूनिट की वजह से हो रहा है। तो कैसे होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये प्रोड्यूस हुआ इकोलाई का हीट लेबाइल टॉक्सिन, मतलब कि टॉक्सिन हीट से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेट्स से आपके फूड में इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट था और उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया, तो अगर आप फूड को प्रॉपरली कुक करेंगे तो आप इस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। खैर हमारे पास हीट लेबाइल टॉक्सिन इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के सर्फेस पे आके GM1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा बी कंपोनेंट बाइंड करेगा और ए कंपोनेंट की एंट्री करवाएगा सेल के अंदर वाया रेट्रोग्रेड एंडोसाइटोसिस। जब हमारे पास ए सब यूनिट सेल के अंदर एंटर हो गया तो फिर वो एक्टिवेट करेगा GS प्रोटीन को। जब GS प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो एंजाइम एक्टिवेट होगा एडेनाइलेट साइक्लेज, AC एडेनाइलेट साइक्लेज के लिए। एडेनाइलेट साइक्लेज फिर ATP से प्रोड्यूस करेगा साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP की वजह से फिर हमारे पास CFTR चैनल इंसर्ट हो जाएंगे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में। फिर वो CFTR चैनल हमारे पास क्लोराइड को सिक्रीट करेंगे, उस क्लोराइड को हमारे पास सोडियम फॉलो करेगा और सोडियम को वाटर फॉलो करेगा। इस तरह से इस टॉक्सिन के नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से वाटरी डायरिया होगा हीट लेबाइल टॉक्सिन की वजह से। जो हमारे पास हीट स्टेबल टॉक्सिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी हद तक सेम है, वो भी हमारे पास इस तरह से आगे पहले बाइंड करेगा और ए सब यूनिट की एंट्री करवाएगा, लेकिन डिफरेंस वहां पे आता है कि जो हमारे पास हीट लेबाइल टॉक्सिन है वो एक्टिवेट कर रहा है GS प्रोटीन को और एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम को एडेनाइलेट साइक्लेज, और जो हमारे पास हीट स्टेबल टॉक्सिन है वो एक्टिवेट एंजाइम करता है गुआनाइल साइक्लेज। जब गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो फिर साइक्लिक GMP प्रोड्यूस होगी, साइक्लिक GMP हमारे पास क्या करेगी कि वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगी।
तो हीट लिवाइड टॉक्सिन में क्या हो रहा था, हीट लिवाइड टॉक्सिन में सोडियम क्लोराइड और वाटर की सक्रीशन हो रही थी, और हीट स्टेबल टॉक्सिन में हमारे पास सोडियम क्लोराइड वाटर और न्यूट्रिएंट्स की रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगी। जब हमारे पास इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो जो एंड रिजल्ट है वो फिर से सेम होगा कि हमारे पास वाटरी डायरिया होगा पेशेंट को। तो बेटा सबको हीट लिवाइड और हीट स्टेबल टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया? यस सर। अब हम देखते हैं कि इकोलाई हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकता है। इकोलाई हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसके अलावा डायरिया कॉज कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कैसे प्रेजेंट करेगी? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रेजेंट करेगी डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी और सुप्राक्यूबिक पेन के साथ। इसमें पेशेंट को फीवर नहीं होगा। इनफैक्ट इकोलाई इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और अगर आपने लैब में डायग्नोसिस के लिए क्लिनिक में अगर आपने डायग्नोसिस करना है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप पेशेंट का यूरिन सैंपल लेंगे और उस यूरिन सैंपल में एक तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, मतलब पेशेंट को बैक्टेरी यूरिया होगा, मतलब यूरिन में बैक्टीरिया की एक्सक्रीशन हो रही होगी। साथ में पेशेंट का यूरिन है वो ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव होगा और नाइट्राइड्स भी पॉजिटिव होगा। जो ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस हैं और नाइट्राइड्स हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक स्ट्रिप यूज करते हैं। तो जो हमारे पास इस तरह से आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं क्लिनिक में। और डायरिया का आप सबको पता है कि पेशेंट को जब भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होते हैं तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, उस पेशेंट को फीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, वाटरी या फिर डायरिया होगा। उसके अलावा हमारे पास मलेरिया हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक साइनस सिम्टम्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेडेक हो सकता है। तो इकोलाई हमारे पास वाटरी डायरिया भी कॉज कर सकता है, ब्लडी डायरिया भी कॉज कर सकता है। आगे जाके आप देखेंगे कि जो हमारे पास इकोलाई के डायरिया कॉजिंग स्पीशीज हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, और कुछ टाइप्स हमारे पास सिर्फ वाटरी डायरिया कॉज करती हैं और कुछ टाइप्स हमारे पास सिर्फ ब्लडी डायरिया कॉज करती हैं। उसके अलावा हमारे पास इकोलाई पायोजेनिक इन्फेक्शन, मतलब पस प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वोंड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आफ्टर अ सर्जरी, या फिर कोई पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गया तो वहाँ पे वोंड की इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। पेरिटोनाइटिस, बिलरी ट्रैक इन्फेक्शन और नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। पेरिटोनाइटिस आपको पता है कैसे प्रेजेंट करेगा? पेरिटोनाइटिस पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, गार्डिंग होगी, रिजिडिटी होगी, रिबाउंड टेंडरनेस होगी। और बिलरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको पता है जो असेंडिंग बिलरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है उसमें पेशेंट को फीवर होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है, जॉन्डिस होता है, साथ में ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियरेट कर जाए तो उसकी वजह से शॉक भी हो सकता है। और नियोनेटल मेनिंजाइटिस की बात करें तो उसमें पेशेंट को फीवर होगा, न्यूकल रिजिडिटी होगी, वॉमिटिंग होगी, और साथ में हमारे पास हेडेक वगैरह हो सकती है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं, मतलब पेशेंट को पैपल एडिमा हो सकता है। ये चीज़ें बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती हैं, एडल्ट में तो सिर्फ हेडेक होता है, न्यूकल रिजिडिटी होती है और वॉमिटिंग और फोटोफोबिया होता है। ये पैपल एडिमा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये साइन मोस्टली बच्चों में होते हैं। उसके अलावा इकोलाई हमारे पास सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है। सेप्सिस से पहले हमारे पास होता है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, और इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो इकोलाई हमारे पास ये दोनों चीज़ें कॉज कर सकता है। यूटीआई का हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस को डिस्कस कर लिया। जब अगर आप क्लिनिक में यूटीआई को डायग्नोज करना चाह रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस देखेंगे, नाइट्राइड्स देखेंगे, और उसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास यूरिन में बैक्टीरिया की एक्सक्रीशन हो रही है कि नहीं, उसमें देखेंगे बैक्टीरिया यूरिया। लेकिन अगर हम माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका लेबॉरेटरी में कैसे डायग्नोज करते हैं, क्योंकि क्लिनिक में तो हमारा पर्पज ये होता है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आया है इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट यूरिया, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, सुप्राक्यूबिक पेन, अगर कोई इन फीचर्स के साथ आया है तो हमने उसका रैपिडली डायग्नोज करना है और उसे ट्रीट करना शुरू कर देना है। लेकिन लैब में हमने अगर बैक्टीरिया को स्टडी करना है कि कौन सा बैक्टीरिया, तो फिर हम लैब में इसका डायग्नोज कैसे करेंगे? तो हम लैब में इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ग्राम स्टेन साथ दे सकते हैं। अगर आप इनकी ग्राम स्टेन करेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि रेड या पिंक होंगे क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है। उसके अलावा हम यूरिन का कल्चर कर सकते हैं, यूरिन से बैक्टीरिया को आइसोलेट करके हम मेकोंकी एगर पे कल्चर करेंगे। जब हम मेकोंकी एगर पे कल्चर करेंगे तो ये हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर के तौर पर ग्रो होंगे क्योंकि ये लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, और जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो हमेशा मेकोंकी एगर पे पिंक कॉलोनीज बनाते हैं, तो इसकी हमारे पास मेकोंकी एगर पे पिंक कॉलोनीज होंगी।
उसके अलावा हम TSI एगर, ट्रिपल शुगर आयरन एगर भी यूज कर सकते हैं इकोलाई की लैब डायग्नोसिस के लिए। अब ट्रिपल शुगर आयरन क्या होता है बेटा? ट्रिपल शुगर आयरन में, आयरन एगर में आप एक टेस्ट ट्यूब में एक दो या फिर तीन शुगर ऐड करते हैं। वो कौन सी शुगर ऐड करते हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज ऐड करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास होती है ग्लूकोज, उसके ऊपर होती है लैक्टोज और उसके ऊपर होती है सुक्रोज। सुक्रोज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ ग्लूकोज और लैक्टोज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नीचे शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है और ऊपर शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। अगर हमारे पास रेड कलर प्रोड्यूस हो तो मतलब हमारे पास फर्मेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो है ना कंट्रोल ग्रुप, इसमें देखिए हमारे पास पूरी टेस्ट ट्यूब रेड है, मतलब यहाँ पे कोई भी फर्मेंटेशन नहीं हो रही। लाइकवाइज हमारे पास ए टेस्ट ट्यूब है उसमें भी हमारे पास रेड कलर है, मतलब वहां पे भी फर्मेंटेशन नहीं हो रही। अगर हमारे पास येलो कलर प्रोड्यूस हो तो उसका मतलब है कि फर्मेंटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो आप सी टेस्ट ट्यूब पे आए, सी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास नीचे हमारे पास है येलो कलर और ऊपर है रेड कलर। नीचे फर्मेंटेशन हो रही है, ऊपर फर्मेंटेशन नहीं हो रही। नीचे कौन सी शुगर थी बेटा? नीचे ग्लूकोज था। Yes, sir. तो नीचे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हमारे पास फर्मेंटेशन हो रही है। ऊपर हमारे पास रेड कलर है, फर्मेंटेशन नहीं हो रही, मतलब ऊपर हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं लेकिन लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता। अगर आप ई टेस्ट, डी टेस्ट ट्यूब में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास पूरी टेस्ट ट्यूब येलो है, मतलब इसमें नीचे भी फर्मेंटेशन हो रही है और ऊपर भी फर्मेंटेशन हो रही है। ग्लूकोज की भी फर्मेंटेशन हो रही है, लैक्टोज की भी फर्मेंटेशन हो रही है। तो अगर हमारे पास लैक्टोज की फर्मेंटेशन हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया है? उसमें हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सिट्रोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, इकोलाई, क्लेब्सियला सेरेशिया। तो अभी हम इकोलाई को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो डी टेस्ट ट्यूब आएगा यहाँ पे होगा इकोलाई, क्योंकि सिर्फ इकोलाई ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की फर्मेंटेशन कॉज करता है। अच्छा, ऐसे अगर हो कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो, तो ब्लैक कलर हमारे पास तब प्रोड्यूस होता है जब बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता हो। तो इस टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास रेड कलर, नीचे हमारे पास येलो कलर है, मतलब ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहे हैं। ऊपर हमारे पास रेड कलर है, मतलब ये बैक्टीरिया हमारे पास लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। अब नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हमने चार बैक्टीरिया पढ़े थे, वो कौन कौन से थे? वो थे शिगेला, यर्सिनिया, प्रोटियस और साल्मोनेला। मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये इन चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब वो ब्लैक कलर भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ब्लैक कलर वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो प्रोटीस और साल्मोनेला है ये दो वाहिद बैक्टीरिया हैं जो कि मोटाइल होते हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, यहाँ तो ये प्रोटीस है, यहाँ फिर ये साल्मोनेला है। और अगर हम इनको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर हम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो प्रोटीस होता है उसमें मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हम एक खास वर्ड यूज करते हैं पेरीट्राइकस मोटिलिटी या फिर स्वार्मिंग मोटिलिटी, मतलब उसकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और मोटिलिटी की वजह से हमारे पास सर्कल्स आ रहे होते हैं, वो हम जब आगे जाके प्रोटीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि स्वार्मिंग मोटिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर यहाँ तो जो ई टेस्ट है इसमें दो बैक्टीरिया है, यहाँ तो प्रोटीज है यहाँ पे साल्मोनेला है। और फिर अगर उनको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर हम उनकी डिफरेंट आगे जाके फीचर्स देखेंगे, किन फीचर्स की वजह से हम उनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो TSI एगर, ट्रिपल शुगर आयरन एगर में हमारे पास ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा और साथ में हमारे पास सुक्रोज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ दो शुगर के साथ पढ़ा है ट्रिपल शुगर आयरन एगर। नीचे हमारे पास ग्लूकोज होगा, ऊपर हमारे पास लैक्टोज होगा। अगर रेड कलर है तो फर्मेंटेशन नहीं हो रही, अगर येलो कलर है तो फर्मेंटेशन हो रही है। अब हम बात करते हैं इकोलाई की डायरिया कॉजिंग स्पीशीज की। बेटा इकोलाई की जो डायरिया कॉजिंग स्पीशीज हैं उनकी फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एंटीरो पैथोजेनिक इकोलाई है, टॉक्सिजेनिक इकोलाई है, इनवेसिव, हेमरेजिक, एग्रीगेटिव और डिफ्यूजली लेहरेंट इकोलाई है। हम इन सभी टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एंटीरो पैथोजेनिक इकोलाई क्या है। बेटा जो एंटीरो पैथोजेनिक इकोलाई है ये हमारे पास मोस्टली इन्फेंट्स में या बच्चों में डायरिया कॉज करते हैं। ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव, मतलब ये इंटेस्टाइनल ट्रैक को इंटेस्टाइनल ट्रैक की एपिथीलियम को इन्वेड नहीं करेगा।
ये बैक्टीरिया कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिंपली क्या करेगा कि इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाएगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के साथ विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे, और साथ में ही इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर्स को डिसरप्ट करेगा। जब वो हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के ब्रश बॉर्डर्स को डिसरप्ट करेगा तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर पेशेंट को वाटरी डायरिया डेवलप होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, डायरिया होगा। डायरिया कैसे होगा? डायरिया हमारे पास वाटरी डायरिया होगा, उसके अलावा नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। आप लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बेटा ना कि ये कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही हमारे पास इन्वेसिव है, तो आपने सिंपली फिर फीसिस से बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है और इसे में कॉन्की एगर पे ग्रो करना है। जब आप इसे में कॉन्की एगर पे ग्रो करेंगे तो ये पिंक लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज क्रिएट करेगा। एंटीरियर टॉक्सिन की इक्वल लाइक हम ट्रैवलर्स आइडिया भी कहते हैं। ट्रैवलर्स आइडिया इसलिए कहते हैं कि हमारे पास मोस्टली एडल्ट्स में डिजीज कॉज करते हैं और इसकी ट्रांसमिशन होती है मोस्टली कंटेमिनेटेड वाटर से। ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव है लेकिन ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है हीट लेबाइल और हीट स्टेबल टॉक्सिन, और ये कॉज करता है वाटरी डायरिया, साथ में एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में वॉमिटिंग होगी। और आप इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्योंकि ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है तो आप फीसी से इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। अगर टॉक्सिन से बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो फिर आप सिंपली बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे फीसी से और उन्हें मेकोंकी एगर पे ग्रो कर सकते हैं। ये भी हमारे पास मेकोंकी एगर पे पिंक लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएगा। हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स को इन्वेड करते हैं जस्ट लाइक शिगेला डायसेंट्री, और इसकी वजह से हमारे पास ब्लडी डायरिया होगा, मतलब कि हमारे पास स्टूल में ब्लड होगा, म्यूकस होंगे और ल्यूकोसाइट्स होंगे। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इट विल इन्वेड एपिथेलियल सेल्स बाय एंडोसाइटोसिस एंड कैन स्प्रेड लेटली टू एडजेसेंट सेल्स कॉजिंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन, नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन। एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई की बात करें तो बेटा जितने भी इकोलाई हमने पढ़े हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई है। यहाँ पर एंटीरियर टॉक्सिजेनिक इकोलाई है जो कि ट्रैवलर साइट का कॉज कर रहा है, तो आपको ये दोनों तो लास्ट में आने चाहिए। एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई क्या करता है कि हमारे पास एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं वेरोसाइटोटॉक्सिन या फिर शिगेलाइट टॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या करता है कि हमारे पास इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में एंटर होगा ये टॉक्सिन, और वहाँ पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी उसकी वजह से सेल डेथ होगी, और उसकी जब हमारे पास सेल डेथ होगी तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लडी डायरिया होगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास माइल्ड ब्लडी डायरिया भी कॉज कर सकता है, उसके अलावा हमारे पास फेटल कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है। फेटल कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन सी डिजीज आती हैं उसमें आएंगी हमारे पास हेमरेजिक कोलाइटिस। हेमरेजिक कोलाइटिस में हमारे पास इंटेस्टाइन में वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस होगा और उसकी वजह से फिर हमारे पास हेमरेज होगा, इसलिए हमें हेमरेजिक कोलाइटिस कहते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम इस तरह से कॉज करता है कि जो हमारे पास वेरोसाइटोटॉक्सिन है या फिर शिगेलाइट टॉक्सिन है ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स मतलब कि जो ब्लड वेसल के सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एडम टी एस 13, उसकी अमाउंट कम हो जाती है बॉडी में। जब एडम टी एस 13 की अमाउंट कम होती है तो जो हमारे पास वॉन विलिब्रैंड मल्टीमर्स हैं वो अकोमोडेट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी अकोमोडेशन की वजह से प्लेटलेट्स के माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं ब्लड वेसल्स में, और उन माइक्रोथ्रोम्बाइज की वजह से हमारे पास आरबीसी की इंट्रावास्कुलर हिमोसिस होती है। आपको इतनी डिटेल में इतनी पैथोजेनेसिस याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली ये याद रखिए कि जो हमारे पास हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है उसमें तीन चीजें होंगी पेशेंट को, उसी पेशेंट को एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा और एक्यूट रीनल फेलियर होगा, और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हमारे पास फेटल हो सकता है। एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई की हमारे पास डिफरेंट सीरोटाइप्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और जो हमारे पास O157H7 है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सब टाइप है, और ये हमारे पास सब टाइप मोस्ट कॉमनली हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करती है। और एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई की ट्रांसमिशन कैसे होती है? एंटीरियर हेमरेजिक इकोलाई की ट्रांसमिशन होती है अंडर कुक्ड बीफ से, फॉर एग्जाम्पल हैमबर्गर्स। और आप इसे डायग्नोज कैसे करेंगे? ये हमारे पास जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वेरोसाइटोटॉक्सिन, आप उस टॉक्सिन को फीसिस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइजा, या फिर आप बैक्टीरिया को फीसिस से आइसोलेट करके मेकोंकी एगर पे ग्रो कर सकते हैं।
उसके अलावा बेटा हम इनको सॉर्बिटोल में कॉन्की अगर अगर ग्रो करेंगे तो ये हमारे पास सॉर्बिटोल को फर्मेंट नहीं करेंगे। जितने भी हमने इकोलाई की टाइप्स पढ़ी हैं वो सभी बैक्टीरिया सॉर्बिटोल को फर्मेंट करते हैं, लेकिन जो इंटीरो हेमरेजिक इकोलाई है वो सॉर्बिटोल को फर्मेंट नहीं करते। उसके अलावा आप इनके टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो डीएनए प्रॉब्स यूज की जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके लिए भी इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज तरीका है वो है कि हम फेसिस में यूरोसाइटोटॉक्सिन को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। और जो हमारे पास इंटीरियर एग्रीगेटिव इकोलाई है ये भी हमारे पास बच्चों में वाटरी डायरिया कॉज करता है, इसकी भी पैथोजेनेसिस हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से पहले बैक्टीरिया की तरह है जो हमने पढ़ा था कि सिंपली फिम्बरे के थ्रू अटैच होगा और जो हमारे पास ब्रश बॉर्डर्स हैं उनको डिस्टर्ब करेगा और वाटरी डायरिया कॉज करेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो जो हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग वाटरी डायरिया कॉज कर रहे हैं तो उसमें तो हम सिंपली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई जो कि हमारे पास सिम्बलेटिक यूरेमिक सिंड्रोम हेमरेजिक कोलाइटिस सीवियर ब्लड डायरिया कॉज करता है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। बेटा आज हम यहाँ तक ही कवर करेंगे, अगर कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नो सर सबको समझ आ गया। सर हम नेक्स्ट क्लास से कैंपस आ सकते हैं? सो आपकी क्वेश्चन की समझ में आई? सर हम नेक्स्ट क्लास कैंपस पे ले सकते हैं? बेटा यूनिवर्सिटी आप आ सकते हैं, लेकिन आप ऑन कैंपस क्लास सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आपकी दोनों वैक्सीनेशन की डोजेस पूरी हो चुकी हैं। यस सर वो हो चुकी ही हैं। तो ठीक है आप फिर आ सकती हैं, आप ऑन कैंपस क्लासेस ले सकती हैं, लेकिन अब बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि ऑन कैंपस क्लासेस सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। चलिए ठीक है बेटा क्वेश्चन फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।